ऑलराइट साजिक ने आज दिन नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। सो आज मैं चला रहा हूँ ESG रोस्टर और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये बाइक को आप डेली सिटी में चला सकते हो, डे टू डे चला सकते हो या नहीं। व्लॉग शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू जावा ग्लोबल जिन्होंने जो मुझे ये बाइक प्रोवाइड किया आप तक पहुँचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इस बाइक की जो है मैंने एक डिटेल राइड रिव्यू पहले की हुई है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर भी जो है आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बाइक के कंफर्ट को लेकर सिटी यूसेज के लिए। तो भाई सिटी यूसेज के लिए जो है आपको ये बाइक फ्रेंकली बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाली है। एकदम ही ईजी टू गो मोटरसाइकिल है ये और इसका जो सिटिंग पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सड है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो फुटपैक्स है वो रेयर सेटिंग पे, मतलब ना आपके कमर के नीचे ना आगे की साइड है, पीछे की साइड है। ठीक है, तो आपको जो है उससे थोड़ा यूज्ड होना पड़ेगा सबसे पहले। सॉरी थोड़ा फंबल मार रहा हूँ। और इसके जो हैंडल बार्स है वो अंकल किधर, और इसके जो हैंडल बार्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऊँचे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके साइड आते हैं, तो आपको जो है आगे ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो कमर रहेगा वो एकदम ही मस्त अपराइट पोजीशन में रहेगा। और इसकी जो सीट्स है आप मैं बोल सकता हूँ कि आर ऑन द हार्डर साइड, थोड़ी हार्ड है इसकी सीट्स, तो आपको इससे भी यूज्ड होना पड़ेगा। अभी इसके इंजन पर आ जाते हैं भाई, इसका जो इंजन है 334 cc का, एक बहुत ही पावरफुल इंजन यहाँ पर आपको मिलता है यार, मतलब आपको मज़ा आने वाला है। इतना पावर आप जो है मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इतना पावर आप शायद ही सिटी में यूज़ कर पाओगे और शायद ही आप इसके थर्ड या फोर्थ गियर के ऊपर जा पाओगे। इट इज़ वेरी 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 पावरफुल। एट द सेम टाइम अगर आपको लोअर RPM पे इसको चलाना है तो आप इसको चला सकते हो, आपको जो है दिक्कत तो आएगी नहीं। और सबसे मेन बात ये बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा स्लिम ट्रिम है यार, ये बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा स्लिम ट्रिम है, आपके पाँव जो मस्त अंदर टकिन हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने पहले देखा कि मैं यू नो पतली गली से आया, तो इसमें जो है वो आसानी से कर सकते हो, एकदम ही छोटी बाइक है ये, मज़ा आता है। मान लो मुझे यहाँ से भी ऐसे निकलना है तो भी मैं निकल पाऊँगा। अभी सिग्नल पे खड़े तो अपन कर ही लेते इसका न्यूट्रल टेस्ट। ओके भाई न्यूट्रल में आ गया था बाइक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर मेरा सिग्नल चालू हो चुका है। तो भाई बहुत ही सॉफ्ट सेटिंग पे इसका न्यूट्रल रखा हुआ है, तो आपको जो ना हल्की सी टिचकी मारनी पड़ेगी, वहाँ से जो है आपका बाइक न्यूट्रल में आ जाएगा। हैंडलिंग पे आते हैं भाई, इसमें जो है इसका हैंडलिंग जो है वो स्क्रैम्बलर्स है, ईजी है, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज स्क्रैम्बलर जो है वो बहुत बड़ी बाइक है, मैंने उसका भी सिटी राइड रिव्यू किया हुआ है, अगर आपको वो देखना है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको जो है 3 बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा मेरा। एनीवेज सो ये जो है एकदम ही ईजी टू गो हैंडलिंग मोटरसाइकिल है, बिकॉज इसमें जो है आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं और ओवरऑल जो बाइक का वेट है आपको इतना नहीं लगता। और इसमें आपको बहुत ही खूबसूरत से ये बार एंड मिरर्स मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, तो आपको जो है क्लच दबा के उसको थोड़ा ये करना पड़ेगा अगर आपको पीछे क्लियर व्यू चाहिए। तो यहाँ पर अपन कर लेंगे एक यूटर्न टेस्ट, लेट्स सी। सबसे मेन बात क्या है ना, ये बाइक का सीट एकदम नीचा है, तो अगर आपकी हाइट 5.8 या 5.7 भी है फिर भी आप आसानी से मैनेज कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। सो यस मैं यूटर्न के बारे में बता रहा था, आसानी से यूटर्न हो जाता है, टर्निंग रेडियस अच्छा है, सीट हाइट नीचे, इसके लिए जो है आपके पाँव फटक से नीचे पहुँच जाते हैं। और इसका जो क्लच है वो बाकी ESD जैसा ही, आपको जो इसका क्लच हार्ड लगेगा, बाकी गियर शिफ्टिंग जो है इस वेरी स्मूथ, गियर शिफ्ट्स को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो ब्रेक्स है भाई भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, इसकी जो बाइटिंग है वो ऑन द स्पॉट है, मतलब जैसे ही अप्लाई करोगे तुरंत, मतलब आपने अगर हल्का दबाया हार्ड दबाया उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने दबाया मतलब आपकी बाइक जो है वो एकदम यू नो रुक ही जाती है एकदम जोर से। और रेयर ब्रेक्स भी जो इतने ही स्ट्रांग है, तो ब्रेकिंग को लेकर मैं ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करूँगा। और जितने भी लोग मुंबई से मेरा वीडियो नहीं देख रहे, ये जो है वो अमिताभ बच्चन जी का घर है, बंगलो है उनका, वो यहाँ पे रहते हैं, तो जितने भी लोग मेरा वीडियो भारगांव से देख रहे तो ये है अमिताभ बच्चन जी का बंगलो जो पीछे गया। एनीवेज और ओवरऑल आई थिंक सिटी यूसेज के लिए यू नो आपको ये बाइक ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगी एज़ कम्पेयर टू दी अदर 2 बाइक्स। और इसके सस्पेंशन पे आते हैं, तो इसके जो सस्पेंशन है आर ऑन द हार्डर साइड, मतलब आपको जो है अगर आपने ज़ोर से, मान लो ऐसा कुछ गड्ढा वगैरह आया, अगर आपने ज़ोर से लिया तो आपको जो है वो झटके लगते हैं, बट वो अच्छे से अब्सॉर्ब भी हो जाते हैं बिकॉज हार्ड है, ऑब्वियसली बात है, तो ये वाला बेनिफिट आपको मिल जाता है। और अभी मैं जब आपको मेरा फाइनल वर्डिक्ट बता दूँ, तो अगर आपको एक पावरफुल मोटरसाइकिल चाहिए एंड एक ईजी टू राइड मोटरसाइकिल चाहिए, एक स्लिम ट्रिम मोटरसाइकिल चाहिए, और हाँ सॉरी माइलेज के बारे में नहीं बताया था, इस वजह से जो है आपको ऑलमोस्ट 20 या 30 की माइलेज मिल जाएगी। और दूसरी बात,
ये है कि हाँ, मैं वर्डिंग बता रहा था कि आपको स्लिम ट्रिम बाइक चाहिए, फास्ट मोटरसाइकिल चाहिए और एक छोटी बाइक चाहिए। अगर आप फैमिली मेम्बर हो और आपको यू नो ये फैमिली मोटरसाइकिल चाहिए, तो फैमिली के लिए जो है ये बाइक परफेक्ट रहेगी। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड द व्लॉग हियर, आई होप दिस वीडियो गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज डीबीएस व्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।